दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 26 अगस्त सन 2024। दोस्तों आज सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ और पावन अवसर पर सभी दर्शक बंधुओं एवं व्यापारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य की भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजमा चित्रा के बारे में, साथ साथ महत्वपूर्ण खबरें आपसे अपडेट होगी। दोस्तों एक विनर अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक अहम खबर, मात्र 3,000 रुपये सालाना खर्च यानी वार्षिक पर आपको तिलन दलहन मसाला कपास अनाज की डेली मंडी भाव और साप्ताहिक अखबार निशुल्क मिलेगा। यानी 3,000 रुपये में आपको साप्ताहिक अखबार और मंडियों के ताजा भाव आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि फसल तैयार होने और राजमा के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में साथ साथ इथोपिया ब्राजील और चाइना में राजमा की अच्छी फसल को देखते हुए बाजार में मंदी की आशंका हो गई है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले खबर यह निकल के आ रही है कि चीन ब्राजील और इथोपिया में राजमा की बिजाई अच्छी होने और फसल बंपर आने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर राजमा का प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में महाराष्ट्र में भी राजमा की बिजाई अधिक है और शानदार फसल होने के भी समाचार मिल रहे हैं। राजमा चित्रा की फसल महाराष्ट्र में लगभग तैयार है और इसको देखते हुए स्टॉक के माल की बिकवाली आने लगी है। और ये भी ध्यान देखने वाली बात है कि इस समय ग्राहकी यानी डिमांड बिल्कुल कमजोर है, जिससे बाजारों के अंदर 250-250 रुपये की गिरावट दर्ज हो गई है। राजमा चित्रा की नई फसल भरूच सतारा वाई खटाव पूना इलाके से के उत्पादक क्षेत्रों में आने के समाचार मिल रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है, पिछले 2 वर्षों से भाव अच्छे चलने के कारण किसानों ने इस बार शानदार बुआई की है, लेकिन अभी बरसात का मौसम होने से आवक का दबाव पूरा नहीं है। फिर भी मंडियों में छुटपुट माल आने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि व्यापारियों से बात करने से यह भी पता लग रहा है कि वहां लगभग 30 से 35 रुपए प्रति किलो राजमा की हरी फली बिक रही है, जिससे तैयार सूखे माल के पड़ते नहीं लग रहे हैं। फसल तैयार होने से राजमा चित्रा चाइना एवं पुणे के पुराने मालों में मंदा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी नया माल आने में चाइना का यदि देखें तो लगभग 30 दिन का समय बाकी है। दूसरी ओर पाइपलाइन के अंदर माल भी नॉर्मल है और मुंबई में चाइना के भाव 127 से 128 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, और लेकिन ग्राहकी के अभाव में भाव अब उसके भाव भी घटने के समाचार मिल रहे हैं, लगभग 124 से 126 रुपए के आसपास के। यानी भाव जरूर घट रहे हैं, लेकिन अभी पाइपलाइन में पूरा माल नहीं होने के कारण गिरावट एकदम से आने की उम्मीद कम है। जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगी और वैसे वैसे आगे गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि राजमा चित्रा की ग्राहकी यानी बिक्री काफी कम हो गई है। केवल जरूरत के आधार पर ही व्यापार हो रहा है। वर्तमान भाव में अभी माल खरीदने का समय नहीं है, इंतजार करना उचित रहेगा। चीन ब्राजील और इथोपिया की शानदार फसल और आने का जो प्रबल अनुमान है उसकी खबर हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। गौरतलब है कि बाजार के अंदर माल खरीदना और सही समय पे माल बेचना ये हमेशा टेढ़ी खीर होती है, और अक्सर होता यह है कि तेजी के अंदर तेजी और मंदी के अंदर मंदी की धारणाएं बनती चली जाती है। सुपर तेजी की आस में तेजी आने पर व्यापारी माल नहीं बेच पाता है और जबरदस्त मंदी का दलदल की घबराहट के अंदर माल खरीद नहीं पाता है। और होना ये चाहिए कि समय पे माल ले ले और समय पे माल बेच ले तो व्यापारी ना केवल अपने प्रॉफिट को बना के रखता है और अतिरिक्त घबराहट भी उसकी दूर होती है। दोस्तों गेहूं मक्का बाजरा चना
मूंग उड़द मसूर तुअर इन सभी पर जो हमने आपको अपडेट दिए। इसके अलावा तेल तिलहन मसाला कपास अनाज के अतिरिक्त सोना चांदी कच्चा तेल और स्टील जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज पे हमने आपको लगातार अपडेट दी हैं। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम बनता है तो उसकी एक्यूरेसी अक्सर दूसरी पद्धतियों के मुकाबले अधिक बढ़ जाती है और कारगर हो जाती है। इसका लाइव एग्जांपल्स हमने आपको हमेशा दिया है। दोस्तों आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देखें, ये सभी जानकारियां रिसर्च और अनुसंधान पर्पज के लिए दी जा रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से भी जान राय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।